पार्टी में आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और पार्टी का सम्मान बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय केशव मौर्य जी से आग्रह करूंगा कि वह भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधु श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि निश्चित तौर से श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधु होने के बाद भी समय समय पर आपने जो अपना विचार आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से रखा है, वह विचार सदैव से मुझे उनका भाजपाई लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए उपयुक्त एक मातृशक्ति के क्षेत्र में नेत्री हैं। बहुत दिनों से चर्चा के बाद आज उन्होंने यह फैसला लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश और प्रदेश का विकास हो रहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को विकास के एक नए कीर्तिमान की ओर ले जाने में सफलता अर्जित की है, यह सारे विषयों को ध्यान में रखकर के शामिल होने वालों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। उसी के क्रम में आज अपर्णा जी आई हैं, मैं उनका स्वागत करते हुए यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है या जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। लेकिन इस समय मैं इस बात को न करके मैं अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और भाजपा परिवार में आकर के उनको बहुत मैं मानता हूं प्रसन्नता हुई होगी। वह आदरणीय बालूनी जी हमारे अभी बताएंगे, वह अपने विचार को संक्षेप में यहां रखेंगे भी। धन्यवाद। आग्रह है कि जो मीडिया के साथी उनको संबोधन करें। सर्वप्रथम यहाँ पे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूं कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूं जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।